भैया क्या एनसीईआरटी करनी जरूरी है? भैया क्या मैं आरडी शर्मा कर लूं? भैया मेरे पास एलिमेंट्स है क्या, वो चल जाएगी? भैया आरएस अग्रवाल, भैया सिर्फ एनसीईआरटी कर लूं तो हो जाएगा क्या? भैया बहुत सारी बुक्स करने की जरूरत है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज राघव अरोड़ा। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आप लोगों की बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी मेरे पास। आज का टॉपिक रहेगा बेस्ट बुक्स फॉर मैथमेटिक्स, स्पेशली फॉर बोर्ड स्टूडेंट। तो यार मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई, मेरे इंस्टाग्राम पर आई, मेरी वीडियोस के कमेंट पर आई। मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला था हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स वाला, उसमें बहुत सारी बच्चों की क्वेरीज आई कि भैया मेरे पास ये बुक है, मेरे पास वो बुक है, मैं कौन सी बुक्स फॉलो करूं, क्या सिर्फ एनसीईआरटी सफिशियंट है, क्या बहुत सारी बुक्स करने की जरूरत है। तो इस वीडियो का टारगेट गाइज यही रहेगा कि आप लोगों की जितनी भी बुक्स रिलेटेड क्वेरी है वो आज इस वीडियो के साथ खत्म कर दें, और इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये मत सोचना पड़े कि यार अब बुक्स कौन सी लें, किससे पढ़ें, किससे ना पढ़ें, कितनी बुक्स से पढ़ें, क्या सिर्फ एनसीईआरटी सफिशियंट रहेगी, क्या एक्स्ट्रा बुक्स करनी जरूरी है, कौन सी एक्स्ट्रा बुक करी जाए। इन सभी क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में आप लोगों को आंसर करने वाला हूं गाइस। सो इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी एडवाइस है कि इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से बात करूंगा इन सभी क्वेश्चंस की, और लास्ट में डिस्कस करेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने यूज करी थी अपने 100 मार्क्स गेन करने में, और आप लोग मेरी एडवाइस का हेल्प ले सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को बिना देर करे स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों तक मेरे सारे नोटिफिकेशन बहुत इजीली पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आप लोगों की कुछ कॉमन क्वेरीज थी और उनको मैंने थोड़ा पैचअप करके, मिक्सअप करके यहां पर लिखा है ओवरऑल जो आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी। तो मैं कोशिश करता हूं कि इन सब चीजों का आंसर करके आप लोगों की जितनी क्वेरीज थी वो सब म्यूचुअली सॉल्व हो जाए। पहली बात मैंने क्या लिखी है यार, सॉल्विंग अ लॉट ऑफ बुक्स इंप्लाइज गुड मार्क्स। पहले तो यार ये कंफ्यूजन दूर करना है आप लोगों का। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि यार अगर मैं बहुत सारी बुक्स सॉल्व कर लूं अपनी मैथमेटिक्स की तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 100 out of 100 आ जाएंगे। तो यार ये मिसकॉन्सेप्शन आप लोग छोड़ दो कि बहुत सारी बुक्स सॉल्व करने से 100 marks आते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने भी लगभग 4 books सॉल्व करी थी सिर्फ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बुक्स सॉल्व कर मारी, 10-12 books मैंने सॉल्व कर ली, अलग अलग ऑथर्स की मैंने खरीद ली, उन 4 में से 2 एनसीईआरटीज ही थी, बची सिर्फ 2, और उसमें से जो तीसरी थी वो भी एनसीईआरटी की थी। लास्ट में डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि बेस्ट बुक्स क्या थी और मैंने कौन सी कर दी। फिलहाल क्या सॉल्व करने से अलॉट ऑफ बुक्स गुड मार्क्स आते हैं? मेरा आंसर है नहीं, बहुत सारी बुक्स सॉल्व करने से अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कुछ पर्टिकुलर फ्यू बुक्स आप लोग बाय करें और उन पर्टिकुलर फ्यू बुक्स को पूरा सॉल्व करें और लास्ट तक सॉल्व करें, क्वालिटी से सॉल्व करें। यानी कि आप लोगों को क्वालिटी वर्क करने की ज्यादा जरूरत है रेदर देन हैविंग अ लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ बुक्स एंड क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोना सॉल्व एंड यू थिंक दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो इसमें मेरी क्या एडवाइस रहेगी आप लोगों को कि क्वालिटी पर ध्यान दें, फ्यू बुक्स फॉलो करें। लास्ट में डिस्कस करेंगे वीडियो के कौन सी हैं वो फ्यू बुक्स फॉलो करें, ज्यादा बुक्स के चक्रों में मत पढ़ें। एनसीईआरटी के साथ एक्स्ट्रा बुक 1 या मैक्सिमम 2 लगाएं बस, और पूरी बुक को सॉल्व करें। ऐसा मत करें कि एक बुक से कुछ पोर्शन सॉल्व कर लिया, दूसरी बुक से कुछ पोर्शन सॉल्व कर लिया, कोई फायदा नहीं होगा यार, सब विरुइन चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। सेकेंड बात जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, फॉर बोर्ड्स एनसीईआरटी हैज ऑलवेज बीन अ गॉड बुक। तो यार बच्चे गवाह हैं, टीचर्स गवाह हैं, बहुत सारे आपके सीनियर्स गवाह हैं, और मैं तो गवाह हूं ही। क्या कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना यार, आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये गॉड बुक है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी भी अच्छे से कर रखी है ना, अच्छे से कर रखी है बिल्कुल, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। अगर सिर्फ एनसीईआरटी भी कर रखी है तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आप लोगों के, ठीक ठाक अच्छे नंबर ला सकते हैं आप। बोर्ड्स के लिए, अकेडमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी हमेशा से गोल्ड बुक रही है, बहुत ही अच्छी बुक रही है, बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है इसमें, इसकी थ्योरी बहुत अच्छी लिखी हुई होती है, क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस इसमें गिवन होते हैं। तो एनसीईआरटी पर ट्रस्ट करना है, कुछ और सॉल्व करो या ना करो, एनसीईआरटी छूटनी नहीं चाहिए। सेपरेट नोटबुक मेंटेन करोगे आप लोग एनसीईआरटी की, और पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चन वाइज इंक्लूडिंग एग्जांपल्स और एक्सरसाइज
सॉल्व करेंगे तभी फायदा होगा। ट्रस्ट मी गाइस, मेरी टिप ले लो, आप लोगों के बहुत काम आएगी। रिवीजन के टाइम आप लोग इस वीडियो को और मुझको याद करोगे। तो ध्यान रखना है, एनसीईआरटी गॉड बुक है, कुछ भी सॉल्व करें, कैसा भी सॉल्व करें, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का आया था, इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सफिशियंट। तो भैया ये तो हो गया, गॉड बुक है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत अच्छी बुक है, समझ आ गया हम लोगों को। क्या यही बुक सफिशियंट है? क्या इसको ही गॉड बुक मान के बस यही करके हो गया? इस पर मेरी बात सुनो यार, मैंने कहा ये गॉड बुक है, क्या मैंने कहा कि इससे 100 आ जाएगा? मैंने बोला बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो। एनसीईआरटी सिर्फ, क्या सिर्फ एनसीईआरटी सफिशियंट है? माय आंसर इज नो। जो बच्चा अच्छे मार्क्स एम कर रहा है, 90s के आसपास एम कर रहा है, उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा यस एनसीईआरटी सफिशियंट है। 80-85 आप अच्छे मार्क्स एम कर रहे हैं तो ठीक है, एनसीईआरटी बुक सफिशियंट है, सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करो आ जाएंगे। लेकिन जो बच्चा एम कर रहा है 95 से 100 के बीच में, या मैं पर्टिकुलरली उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो बच्चा एम कर रहा है 100 out of 100 मार्क्स, तो वो बच्चा मेरी बात सुन लो यार, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप लोग 100 एम कर रहे हैं तो आप लोग किसी भी लेवल पर, किसी भी पॉइंट पर रिस्क नहीं ले सकते। 100% कंटेंट आप लोगों का पक्का होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। अगर आपकी किस्मत खराब भी हो और CBSE बाहर से कुछ क्वेश्चंस दे दे, तो हमारी अपनी तरफ से इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन भी हम करके आएंगे, 100 लेके आएंगे। तो 100 मार्क्स एमर्स के लिए मैं क्या कहूंगा, जो एम कर रहे हैं 100 मार्क्स, कि भाई एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को एक प्रैक्टिस बुक साथ में लगानी पड़ेगी, जरूर लगाएं एक प्रैक्टिस बुक। अगर आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे अलग से रेदर देन एनसीईआरटी, तो आप लोगों का काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। सिर्फ एनसीईआरटी पर निर्भर मत रहना 100 मार्क्स के लिए, सिर्फ एनसीईआरटी करके रेयर केस में 100 आता है, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, कैलकुलस 12th क्लास में होता है और एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस नहीं है कैलकुलस के जितने रिक्वायर्ड है एक एक्सीलेंट परफेक्शन के लिए। तो एक्स्ट्रा बुक आप लोगों को एक लगानी पड़ेगी, जिन्हें 100 टारगेट कर रहे हैं जो लोग, ठीक है। एक्स्ट्रा बुक के बारे में करते हैं अभी बात लास्ट में, ये क्वेरी आप लोगों की क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेरी क्या आती है, माई स्कूल इज नॉट फॉलोइंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, नाउ व्हाट? तो यार बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हरियाणा के कुछ बच्चे, मेरे को एक कमेंट आया था, वो सॉरी इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज आया था कि भैया हम लोगों को स्कूल में एनसीईआरटी नहीं करा रहे हैं, डायरेक्टली एक एक्स्ट्रा बुक लगा दी है और उसी से ही सब प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। तो यार गाइज, इस केस में मैं आप लोगों को पता क्या कहना चाहूंगा, जो स्कूल में चल रहा है चलने दो, बोर्ड्स का पेपर सबका एक जैसा होना है, सबके लिए सिलेबस एक ही है, आप लोग अपनी तरफ से एनसीईआरटी को मत छोड़ना। यानी कि आप लोग एनसीईआरटी को अपनी तरफ से करेंगे, अपनी तरफ से एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करेंगे, स्कूल करवाए या ना करवाए, आप कहीं ट्यूशन लेते हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, वट एवर इज द केस, वो लोग करवाए या ना करवाए, बोर्ड्स आपके हैं, मार्क्स आपके आने हैं, जो रेस्पेक्ट मिलनी है वो आपको मिलनी है, जितना भी आपको अवार्ड मिलेगा 100 मार्क्स का तो वो आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो अपने पर ध्यान देना, अपने आप मेहनत करने की कोशिश करना, डिपेंडेंट मत रहना कि स्कूल क्या करवा रहा है या कोई और क्या करवा रहा है, आप लोगों को अपना परफेक्शन लाना है। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर एनसीईआरटी नहीं भी करवा रहे हैं तो एनसीईआरटी आप अपने आप करेंगे सेपरेट नोटबुक मेंटेन करके, ये मत सोचना कि जैसे चल रहा है चलने दो, अलग सेपरेट मेंटेन करो नोटबुक, एनसीईआरटी जरूर स्टेप वाइज सॉल्व करो, बिकॉज यार बहुत जरूरी है एनसीईआरटी। ट्रस्ट मी गाइस, मोर देन 50% पेपर एनसीईआरटी को टच करता हुआ आपको मिलेगा या सिमिलर, और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सीबीएसई में खूब पूछे जाते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो एनसीईआरटी तो भाई नहीं छोड़नी। तो गाइस आई होप इन सब क्वेरीज पर मैं बिल्कुल क्लियर हूं। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है समझ आ गया, बुक्स बता दो फाइनली कौन सी फॉलो करें, यानी कि फाइनल लिस्ट बता दो कि ये बुक करो, इस बुक से काम हो जाएगा, इतनी बुक्स करोगे बस बात खत्म है और हमारा काम हो गया, हम अच्छे मार्क्स इनको पढ़कर ला सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पर मेरी बात सुनो गाइस, मैं कहना चाहता हूं पहली चीज डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा बुक के बारे में या प्रैक्टिस बुक के बारे में, ठीक है।
एक्स्ट्रा बुक या प्रैक्टिस बुक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो यार हर बच्चे की ना अलग ओपिनियन है, अलग चॉइस है इस चीज पर। किस तरह से अलग चॉइस है? कोई बच्चा कहता है कि सर मैं आरडी शर्मा, भैया मैं आरडी शर्मा कर रहा हूं। कोई बच्चा कहता है मैं आरएस अग्रवाल लेना चाहता हूं। कोई बच्चा कहता है एक एलिमेंट्स करके बुक थी मैथमेटिक्स की, हरियाणा में ज्यादा लगाई जाती है वो बुक, एलिमेंट्स बुक आती है वो मैं करना चाहता हूं। और भी बहुत सारी बुक्स के बच्चों ने नाम लिए। तो यार इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी बुक लेंगे या आप लोग फ्री हैं बुक चूज करने में, एक्स्ट्रा बुक कौन सी हम लें, अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सी बुक हम लें और आप लोग किसी के प्रेशर में नहीं हो, स्कूल के कि या फिर कोचिंग के कि वो वाले सर यही बुक करा रहे हैं तो मेरे को यही लेनी पड़ेगी, अगर आप लोग फ्री हैं प्रैक्टिस बुक चूज करने के और मेरी बात मान सकते हैं, तो गाइज मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? वो है डॉक्टर आर डी शर्मा। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि यार ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है और उन्होंने मेरे को पैसा दिया है, वो कहाँ मेरे को कुछ देंगे यार। मेरी बात समझो आप लोग, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि जो आपने अलग बुक्स के नाम लिए उन बुक्स को पढ़ के भी बच्चों का 100 आया हो, बहुत अच्छा मार्क्स आया हो, मैं मान सकता हूँ बिल्कुल बहुत अच्छी बुक्स हैं, बाकी मैंने देखी हैं पर्सनली, लेकिन क्योंकि आर डी शर्मा यार मैंने सॉल्व की थी, मेरा 100 आया और मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो और मुझको भी उस बुक पर ट्रस्ट है बिकॉज मैंने खुद उसको देखा है, खुद सॉल्व करा है, खुद मार्क्स गेन करा है। तो मैं भी उस बुक पर ट्रस्ट करके आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग फ्री हैं यार बुक चूज करने के, प्रैक्टिस बुक जो मैं कहूँगा वो ले लोगे, तो आप लोग आर डी शर्मा की दोनों वॉल्यूम चुपचाप खरीद लो। एक ही बस आर डी शर्मा प्रैक्टिस बुक सफिशियंट है, इसके अलावा प्रैक्टिस बुक के लिए कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो बच्चे यार बाउंड हैं कि मेरे को एलिमेंट्स ही करनी पड़ेगी या मेरे को आर एस अग्रवाल ही लगाई जा रही है तो मैं कौन सी करूं। तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा गाइज, उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि लाइक गाइज मेरा 100 आया, मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। हो सकता है कि आपके सीनियर्स जो हैं, आप लोग अपने सीनियर से कंसल्ट करो उन पर्टिकुलर बुक्स के बारे में जिन्होंने पर्सनली यूज करी हैं, या फिर अगर आपके टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वहां से बहुत अच्छे मार्क्स आते आ रहे हैं बच्चों के, 100 बहुत काफी आ रहे हैं, ठीक है, काफी केसेस हैं बच्चों के हर ईयर 100 आ जाता है या फिर बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप लोगों को पता है कि ईयर्स से वो टीचर वही पर्टिकुलर बुक फॉलो कर रहे हैं, तो गाइस आप लोग उन बुक्स पर जा सकते हैं। लेकिन आप लोग पहले पर्सनली इंक्वायर जरूर करें अपने सीनियर्स से, देखें कि टीचर जिनके यहाँ जो वो बुक कराई जा रही है उनके पास्ट रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एक्सपीरियंस आपके टीचर्स हैं, ऑब्वियसली टीचर हैं तो यार एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है ना, लेकिन स्टिल आप लोग अच्छी तरह से देखें कि उनके पर्सपेक्टिव से उस बुक की क्या रेपुटेशन है, यानी कि क्या वो लोग भी मानते हैं, बिकॉज ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी और बच्चे ने कोई और बुक फॉलो करी हो और उसका 100 आया हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप लोग अपने सीनियर से जरूर कंसल्ट करें जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे कि उनका उस बुक के बारे में क्या कहना है। अगर वो लोग मानते हैं कि वो पर्टिकुलर बुक सेल्फ सफिशियंट है, बहुत अच्छी है, तो यार मैं कहूंगा गो फॉर देम, बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा कि यही करो ये मत करो। यार मैथमेटिक्स का जो पेपर आने वाला है वो बुक डिपेंडेंट थोड़ी है, कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट है, आप लोगों को काम करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी बुक से थोड़ी आता है यार पेपर, पर बुक्स आपका सपोर्ट बनती हैं, आपके माइंड को डेवलप करती हैं उस पेपर के लेवल तक, ठीक है। तो मेरी आपको लगता है सारी बात क्लियर हो गई होगी कि अगर जो बच्चे फ्री हैं चूज करने के वो भाई आर डी शर्मा के लिए जाओ, और जो बचे हुए बच्चे हैं वो ये मत सोचो कि ये बंदा आर डी को ही क्यों प्रीफर कर रहा है। आर डी को सिर्फ मैं इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव पर्सनली चेक्ड इट, मैंने पर्सनली इसको टेस्ट कर लिया है, खुद स्कोर भी कर लिया है अच्छे से, मैंने पूरी आरडी शर्मा सॉल्व करी थी, ठीक है। तो मैं इसलिए आरडी आरडी कर रहा हूं गाइस, आप लोग कोई और बुक के लिए ऑब्वियसली जा सकते हैं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, ठीक है गाइस। आई होप प्रैक्टिस बुक का आपका जो चक्कर है, जितना कंफ्यूजन था प्रैक्टिस बुक को लेकर, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस बुक, तो ठीक है भैया हो गई, अब और कौन सी बुक्स की जरूरत है, उसके बाद सुनो और कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड एनसीईआरटी पार्ट 2।
एनसीईआरटी तो भाई होनी ही चाहिए, वो नहीं करी तो प्रैक्टिस बुक का कोई फायदा नहीं। देखो यार एनसीईआरटी तो करनी ही है, मेरी बात मान लो। आप लोग बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी एनसीईआरटी, कुछ तो बात होगी ना यार। एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ना, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीबीएसई प्रिस्क्राइब करता है यार उसको। अगर सीबीएसई प्रिस्क्राइब करता है उस बुक को, तो सीबीएसई को पूरा राइट है उस बुक का कोई भी क्वेश्चन देने का आपको एग्जाम में। आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये नहीं आए, अनइम्पॉर्टेंट वाला आ गया। इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको हम लोग इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, लेकिन एक 100 स्कोर करने वाले बच्चे को दिमाग में इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट नहीं रखना चाहिए। उसको पूरी एनसीईआरटी बाय हार्ट सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए जो आपको ना आता हो। ठीक है गाइस, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। तो मैंने अभी तक कौन कौन सी आपको 3 बुक सजेस्ट करी मेरे पर्सनल ओपिनियन से। फर्स्ट बुक एनसीईआरटी पार्ट 1, सेकेंड बुक एनसीईआरटी पार्ट 2, थर्ड बुक क्योंकि मैंने वो पर्सनली यूज करी है और मेरा 100 आया था, तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस बुक में आरडी शर्मा ले सकते हैं। 3 बुक्स हो गई हमारी कवर, हो गई 3 बुक्स। ठीक है गाइस, अब एक लास्ट बुक मैं और कहना चाहता हूं, और वो लास्ट बुक ऑप्शनल है, सबके लिए जरूरी नहीं है। जो बच्चा कैपेबल मान रहा है खुद को कि यार मैं ये 3 बुक्स बहुत इजीली कर पा रहा हूं एंड स्टिल आई एम हैविंग टाइम, मैं टाइम है मेरे पास, मैं अभी और बुक्स करने का कैपेबल हूं, तो एक लास्ट बुक मैं आपको और कहना चाहता हूं, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी प्रिफर करता है, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे एक पर्टिकुलर चैप्टर के, तो उसकी एग्जाम्पलर आप लोगों से सॉल्व नहीं होगी, अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है, तो मेरी एडवाइस होगी कि उस बुक पर तब जाना जब आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है, और अब आप लोग एबल हैं न्यू क्वेश्चंस ट्राई करने के। तो फाइनल बस ये 4 बुक्स के अंडर ही आपको रहना है, एनसीईआरटी की 2 बुक्स, एक प्रैक्टिस बुक जिसके बारे में मैं इनफ डिस्कस कर चुका हूं, और अगर टाइम बचे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके अलावा फालतू बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है गाइस, इतनी बुक्स करने की जरूरत है, मैंने भी इतनी ही बुक्स करी थी यार, इसके अलावा फालतू मैंने कुछ नहीं करा। और सही मायने में आप लोग आरडी शर्मा अगर खरीदोगे देखोगे ना यार इतनी मोटी बुक है, आप देखकर ही कहोगे कि इसके अलावा तो क्या ही कर सकता है बंदा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, आई होप आई हैव गिवन यू ऑल द इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप्स रिगार्डिंग बुक्स। और अब बुक्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार बुक्स फाइनल कर लो उसके बाद पूरे साल बुक्स के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ पढ़ोगे। इसीलिए ये वीडियो स्टार्टिंग में बनाई जा रही है ईयर के, ताकि स्टार्टिंग में ही ये किस्सा खत्म कर दिया जाए, बुक्स का कंफ्यूजन सारे दूर कर दिए जाए। ठीक है गाइस, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस कुछ और अच्छी बातें करने के लिए। आज पढ़ाई नहीं करी लेकिन ये भी टॉपिक जरूरी था। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।